मित्रों, मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं, ये जो कांग्रेसी भाई है ना, ये जो इंडिया गठबंधन है, ये कांग्रेसी भाई कुछ नहीं है। अपने परिवार को चलाना, अपने परिवार के लोगों को बैठाना और भ्रष्टाचार करना, यही इनका काम है। ये सारे इंडिया गठबंधन, ये सब लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे पिछड़े हुए लोगों का, बैकवर्ड क्लास का जो आरक्षण है, वो आरक्षण इंटैक्ट रहेगा, और जो मुस्लिम भाई ओबीसी का सर्टिफिकेट लेकर के ओबीसी का आरक्षण ले रहे थे, और इन कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के संरक्षण में जो ओबीसी के आरक्षण पर डाका डाल रहे थे, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कल अपने फैसले में उनको निरस्त कर दिया, निरस्त कर दिया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मोदी जी ने साफ कहा है कि जब तक मोदी है, कोई भी आदिवासी के आरक्षण पर, हमारे दलित भाई के आरक्षण पर और हमारे पिछड़ा और अति पिछड़ा के आरक्षण पर कोई डाका नहीं डाल सकेगा, ये आरक्षण उनको मिलता रहेगा। लेकिन ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये जो ममता है, ये जो सोनिया गांधी है, ये जो खड़गे हैं, ये जो डीएमके के लोग हैं, ये सब लोग आपके आरक्षण पर डाका डालने का काम कर रहे हैं, डाका डालने का। आपका आरक्षण लेकर के मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहते हैं, माइनॉरिटी को देना चाहते हैं, अल्पसंख्यक को देना चाहते हैं। बोलो, होने देना है क्या? जोर से बोलो, होने देना है क्या? अगर नहीं होने देना है और मोदी जी को मजबूत रखना है और मजबूत सरकार चलानी है, तो आपके पास रास्ता एक है, कमल कमल और कमल। बोलिए, मोदी जी को आशीर्वाद मिलेगा ना? मिलेगा ना? अनंत नायक को लाओगे ना? और पद्मचरण हाइब्रिड को लाओगे ना? फिर एक बार अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगला, तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।